एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की लड्डू। वो रेसिपी आप लोग के सामने, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैंने एक कढ़ाई में घी डाला है। घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, उसको अच्छे तरह से मीडियम आँच पर थोड़ा सा भूंजे, भूंजते रहें उसको। उसके बाद से छोड़ा भी थोड़ा सा भूंजे, भूंज के एक प्लेट में उसको निकाल दिए। निकाल के जो खजूर होता है उसको बिया निकाल के उसको भूंजे धीमी आँच पे, उसको धीरे 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 भूंजते जाए और वो एकदम एक में एक सट जाएगा। वैसे कर दीजिए, धीरे 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 भूंजते रहिए। और अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा रेसिपी है। मैं आगे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए, इसको पूरा धीरे धीरे मैंने भूंज लिया है और भूंज के एक में एक ये सट गया है। उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। ड्राई फ्रूट्स के लिए अभी और थोड़ा सा हो जाने दीजिए। पूरा देखिए हो गया है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको अच्छी तरह से मिलाऊँगी मैं। हाँ, इसको मिलाइए और मिला के बढ़िया से इसको अच्छे से उसमें मेल्ट कर दीजिए। मेल्ट करके इसको गैस को बंद कीजिए और धीरे धीरे उसको एक लड्डू के आकार में उसको शेप दीजिए। देखिए, मैंने पूरा मिला लिया और मिला के अब देखिए मैंने ये आपको दिखा रही हूँ। इसको लड्डू बनाइए और इसको देखिए, इसको अच्छा से घी में पूरा है, अगर घी कम लगे तो और डाल दीजिएगा। और देखिए, मैंने लड्डू बना लिए। ये हम लोग का लड्डू बन के तैयार हो गया। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।